नमस्कार, शारदा सदन ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित जो 22 भाषाएं हैं उनको याद करने के बारे में बात करने जा रहे हैं। मूल रूप से तो आप जानते हैं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 लैंग्वेजेज ही थी, फिर बाकी की जो भाषाएँ हैं वो बाद में विभिन्न संविधान संशोधनों द्वारा जोड़ दी गई। तो सबसे पहले अपन मूल रूप से जो भाषाएं उल्लेखित थी 14 उनको याद करेंगे। भाषाओं को याद करने के लिए आप ट्रिक देख लीजिए। बड़े मामा काका उस सांस को गुप्त आसमान में उड़ाते हैं। बड़े मामा काका उस सांस को गुप्त आसमान में उड़ाते हैं। सबसे पहले बड़े से आपको याद रखना है बांग्ला। दूसरे नंबर पर माँ, माँ से आपको याद रखना है मलयालम, मलयालम। तीसरे नंबर पे फिर से मैं, माँ से आपको याद रखना है मराठी। फिर है का, का से आपको याद रखना है कश्मीरी। उसके बाद फिर से का है तो का से आपको फिर याद रखना है कन्नड़, कन्नड़। उसके बाद उस, उससे आपको याद रखना है उर्दू, उर्दू। और फिर है सांस, सांस से आपको एक ही लैंग्वेज याद रखनी है वो है संस्कृत, संस्कृत। उसके बाद को आपको स्किप कर देना है। और फिर गुप्त से सबसे पहले 8 नंबर पर, इससे आपको याद रखना है गै से गुजराती, गै से गुजराती, गुजराती। उसके बाद है पै, पैसे आपको याद रखना है पैसे पंजाबी, पंजाबी, पंजाबी भाषा। उसके बाद है 10 नंबर पर तय, तय है ना। इस पूरे वर्ड से ही आपको 3 लैंग्वेजेस याद हो रही हैं, जैसे गुजराती, पैसे पंजाबी और तय से आपको 2 लैंग्वेज याद रखनी है तमिल और तेलुगु, तमिल और तेलुगु, 2 लैंग्वेज आपको तैसे याद रखनी है। उसके बाद 12 नंबर पे अपन आते हैं तो आता है आसमान, आसमान से आपको याद रखना है असमिया, असमिया। उसके बाद 13 नंबर पर उड़ाते, उड़ाते से आपको याद रखना है ओडिया, ओडिया। लास्ट में है, ऐसे आपको याद रखना है हिंदी, हिंदी। तो दोबारा आप देख लीजिए, बड़े मामा काका उस सांस को गुप्त आसमान में उड़ाते हैं। सबसे पहले बड़े से बांग्ला, माँ से मलयालम, माँ से मराठी। उसके बाद का से कश्मीरी, का से कन्नड़, उ से उर्दू, सांस से संस्कृत, को स्किप कर देना है, गै से गुजराती, पै से पंजाबी, तैसे तमिल और तेलुगु, आसमान से असमिया, उड़ाते से ओडिया और है से हिंदी। ये 14 लैंग्वेजेज जो मूल रूप से भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित थी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। उसके बाद जो बाकी की भाषाएं बची उनकी बात करेंगे। उसके बाद 15वीं जो भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई वो थी सिंधी। सिंधी 21वें संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1967 द्वारा भारतीय संविधान के इस अनुसूची में जोड़ी गई। उसके बाद आगे बात करते हैं 16वीं, 17वीं और 18वीं लैंग्वेज, 16वीं, 17वीं और 18वीं, 16 से 18 तक जो लैंग्वेज हैं वो उनको आपको याद रखना है नमक से। 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा, 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा ये जो 3 भाषाएं बची हुई हैं ये इस संविधान में, इस अनुसूची में जोड़ी गई।
कौन कौन सी है ये भाषाएं, आपको कौन कौन सी हैं देख लीजिए, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये तीन भाषाएं जोड़ी गई। इसको आपको याद रखना है नमक से, नमक न से नेपाली, मैं से मणिपुरी और कैसे कोंकणी। 71वें 71st Amendment 1992 द्वारा ये जो थी 8वें अनुसूची में जोड़ी गई। उसके बाद बात करते हैं हम 19 से लेकर 22वीं जो भाषा है वो कब जोड़ी गई। 19 से लेकर 22वीं जो भाषा है ना वो 92 संविधान संशोधन दो हज़ार तीन द्वारा जोड़ी गई 92 संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ी गई। कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये चार भाषाएं जोड़ी गई। इसको आप कैसे याद रखेंगे, इसको आप बोर्ड मास के रूल से याद रखेंगे। बोर्ड मास का रूल, सबसे पहले बीओ, इससे है बोडो बन जाएगा। उसके बाद है डी, डी से बन जाएगा डोगरी, डी से डोगरी। एम ए से आपका बन जाएगा मैथिली और से आपका बन जाएगा संथाली। इस तरह से ये जो चार भाषाएं हैं ये 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई। आप देख सकते हैं इनमें इंग्लिश कहीं भी शामिल नहीं है, और जो राजस्थानी और भोजपुरी और जो भोटी भाषा है ना उसको संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए आंदोलन चल रहा है। इस तरह से ये 22 भाषाएँ, उम्मीद है आपको याद हो गई होंगी। धन्यवाद।